नमस्कार अम्बरीजनो, आप देख रहे हैं सूटी पाठशाला। आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। सी यू टी टॉपर्स टॉक सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों से बात किया, उनका एक्सपीरियंस जाना, और कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें आप अगर सुनते हो तो आने वाले समय में आप भी अपनी प्रिपरेशन बेहतर बना सकते हो इनके एक्सपीरियंस की वजह से। तो आज हमारे इस सीरीज़ में एक नए स्टूडेंट हैं, बी एच चुके हैं, इन्होंने यहाँ पे पी जी की पढ़ाई अभी स्टार्ट करी है, सी यू टी दिया है, काउंसलिंग के एक बहुत ही जटिल कम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरा है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हम लोग आज इनसे जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? इशिता अग्रवाल। मैं चाहूंगा इशिता थोड़ा सा लाउड बोलेंगे हम लोग। ओके ओके। क्योंकि यहाँ पे वैसे भी हम लोग इतने ओपन एरिया में हैं कि आवाज का कोई इशू नहीं है। तो इशिता अग्रवाल जी से हमारी बात होने जा रही है। आपका एडमिशन काशीनाथ विश्वविद्यालय में हुआ है, राइट? जी सर। ओके, किस कोर्स में हुआ आपका? साइकोलॉजी मास्टर्स। ओके, एमए साइकोलॉजी में इनका एडमिशन हुआ है। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं किसी साइकोलॉजी के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। वैसे ये कोर्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत अभी खासकर वही है कि लड़कियां बहुत ज्यादा इस कोर्स में इन्वॉल्व, ट्रेंडिंग कह सकते हैं, ट्रेंडिंग है। क्यों ऐसा? क्यों सर? काफी लोग आजकल इस फील्ड के बारे में और जानना चाह रहे हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में वो हो रहे हैं जागरूक। नहीं तो बस लड़कियां क्यों मेंटल हेल्थ के लिए जागरूक हो रही हैं? लड़कियों का सर प्रॉब्लम भी ज्यादा होती है मेंटल हेल्थ रिलेटेड। अच्छा, लड़कियों की प्रॉब्लम ज्यादा है इसीलिए वो इस फील्ड में ज्यादा है। ओके, अभी आपको कितने दिन हो गए इस विश्वविद्यालय में? अप्रोक्स 1 month ही हुआ। अप्रोक्स 1 month, 1.5 month हो चुका होगा। कैसा लग रहा है अभी आपको, आपको यहाँ पे एडमिशन लेके? अच्छा लग रहा है सर, बहुत सुंदर कैंपस है, बहुत सुंदर जगह है। अभी हम लोग कैंपस में हैं, कैसा है यार? जी सर, ये कैंपस तो बहुत ही सुंदर है। बेसिकली आपके लिए ग्रीनरी इम्पोर्टेंट, ग्रीनरी जो है वो अट्रैक्शन इम्पोर्टेंट। ओके, और यहाँ का एजुकेशनल कैसा है आपका, पढ़ाई यहाँ का कैसा लग रहा है? बेसिकली भी नए नए आए हो। पढ़ाई सर यहाँ पे स्पेशली लैब और टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं और एक्सपेरिमेंट जनरली कराते हैं। मतलब टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, तो कहीं ना कहीं उसका एक जी सर वो दिख रहा है वहाँ पे। जी सर। नहीं ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते थे सीयूटी के स्टार्टिंग से। आप तैयारी कैसे किए? तैयारी सर मैंने खुद से ही की थी, कोचिंग कोई ज्वाइन नहीं की थी। सेल्फ स्टडी बेसिकली। जी सर। और यूजी कहाँ चल रहा था आपका? यूजी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। तो क्या यूजी का सिलेबस सीयूटी के सिलेबस दोनों एक साथ मैच कर रहे थे क्या? यूजी का सिलेबस कहीं हद तक सीयूटी से मैच करता है, लेकिन उसमें थोड़ा एडवांस नॉलेज लगाना पड़ता है। ओके, मतलब थोड़ा सा उसका एडवांस लेवल पढ़ना पड़ा, बाकी लगभग सिलेबस उसी तरीके से था। हाँ, लगभग सेम। तो एनडीए एग्जाम करा रहा है सीयूटी, आपने पहली बार दिया होगा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा बेसिकली ये? सर उसका मैनेजमेंट एनटीए का इतना अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट गड़बड़ है, लेकिन हाँ सही था, एग्जाम अच्छा था। अच्छा, मैनेजमेंट को लेकर एक्चुअली शिकायत रही है। जी सर। बच्चों के हमेशा से रही है एनटीए जो है नेशनल नोटिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो उसको बोल दो, तो लड़कों को परेशान बहुत किया है, वो बच्चों को परेशान बहुत किया। और उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स आई? मान लो आपने एग्जाम दे दिया, आपके स्कोर आ गए, और फिर उसके बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट हुआ होगा बेसिकली। जी सर। काउंसलिंग में क्या क्या चीजें हुई? सर ये लोग अपनी डेट पर अपनी नोटिफिकेशन नहीं निकालते हैं, काफी काफी डिले कर देते हैं, पेमेंट के लिंक में भी बहुत डिले कर देते हैं। मतलब ये यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रॉब्लम हुई कि काउंसलिंग प्रोसीजर में कोई चीज ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं आ रही थी। जी सर, कोई नोटिफिकेशन, मतलब वो टाइम के साथ नहीं मैच कर रही। जी सर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। फिर इन प्रॉब्लम्स के लिए क्या सलूशन, कैसे आपने इसको, मतलब कैसे थोड़ा बड़ा सलूशन कैसे मिला? सर आपकी वीडियोस ऑब्वियसली अपडेट मिल जाती है, उससे एकदम टाइम टू टाइम अगर कुछ सडनली करना हो तो, जैसे पेमेंट का था एकदम सडनली करना था, अगर मिस हो जाता, तो पेमेंट ही चला जाएगा, दिक्कत हो जाता। लेकिन हाँ अपडेट्स इम्पोर्टेंट है टाइम से रखना, तो उसके लिए बहुत हेल्प का चैनल था। तो कैसे, पहला वीडियो मेरा कौन सा था, कब आपने फॉलो किया? सर मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी उसके बाद से जब वेट कर रहे थे कि रिजल्ट क्या आएगा, तो उसके टाइम पे देखा था। किसी ने रिकमेंड किया या यूट्यूब ने रिकमेंड किया? जैसे मेरे फीड पर ही आया था। वाओ, यूट्यूब के फीड पर ही आया था। ओके, वैसे आप आते कहाँ से हो, आपका स्टेट क्या लगता है? मैं मुरादाबाद, यूपी ही है, मुरादाबाद से। और कैसा है ये शहर उतना दूर से यहाँ पे, वैसा ही लगता है अपने शहर जैसा या फिर? अपने से जैसा नहीं है। क्या अलग क्या बनाता है इस शहर को? बहुत स्पिरिचुअल है सर। और ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ, मतलब आपने कम से कम ऑब्जर्व किया कि हाँ बहुत ज्यादा आध्यात्मिक शहर है ये बनारस। जी सर, बहुत हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा हाइजीन का प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। ओके, मींस नेचुरल है।
जी, जैसा विश्वविद्यालय वैसा ही शहर है जी। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं आपके स्टडी एजुकेशनल लाइफ से। आप बेसिकली कितने घंटे पढ़ाई की सीयूटी के टाइम पे? जब सर एकदम अप्रोच हो रहा था तब तो मैंने ज्यादा टाइम दिया है, 4 से 5 घंटे दिए हैं। okay. लेकिन बेसिकली जब यूजी के साथ ले रही थी तब 2 आवर्स मैक्सिमम। ओके, जो आने वाले बच्चे हैं बेसिकली उनको क्या आप सजेस्ट करना चाहोगे? बस एक बेसिक नॉलेज क्लियर रखनी है, मतलब सीधा एडवांस पे जम नहीं करना कि हमारे पेपर में सब टफ टफ ही आएगा। बोलो, तो एडवांस नॉलेज के साथ ना बेसिक्स क्लियर रहने चाहिए, बेसिक्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, सो फाइनली कुछ चीजें यहाँ जानते हैं। आप विश्वविद्यालय में अपना फेवरेट प्लेस क्या मानते हो? यहाँ पे तो सर मंदिर बहुत खूबसूरत है। ओके, मैं मंदिर बीटी, ऑफन, बीटी है। हाँ, मंदिर जाती हूँ ऑफन। ओके, बीटी हो गया, और कोई प्लेस? सर ये कला भवन की बिल्डिंग काफी सुंदर लगी। हाँ, वो बहुत अच्छा है, कई बार क्वेश्चन भी आता है ये कि कला भवन, हाँ कला भवन कहाँ है, ऑप्शन में रहता है, उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो बनारस में बेसिकली लोग टिक कर देते हैं। अपने आप में बहुत बड़ा म्यूजियम है ये, काफी रिच है और अभी भी उसमें डेवलपमेंट चल रहा है। ओके, उसके बाद ये शहर जो है इसमें आपको कौन सा प्लेस अभी तक आपने जो एक्सप्लोर किया आपको अच्छा लगा? प्लेसेस तो सर घाट्स काफी सुंदर है। अच्छा, घाट आपने घूमा? हाँ, मंदिर घूमे, काल भैरव, विश्वनाथ, यहाँ का भी रूम है। ओके, मतलब ये सब प्लेसेस आपने बेसिकली घूमा। और लड़कियों की सेफ्टी सिक्योरिटी से आपको कैसा लगा ये शहर? हाँ सर, मैं ये मानूंगी कि मेट्रोपॉलिटन से तो यहाँ ज्यादा सेफ है। अच्छा, यहाँ पे ज्यादा, मतलब अगर मैं शाम को भी निकल रही हूँ तो इतना नहीं सोचना पड़ता, वैसे दिल्ली वगैरह में थोड़ा ज्यादा अनसेफ फील होता है। मतलब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव थिंग है जी सर। वैसे फिर भी मैं बोलूंगा कि आप लोग अवेयर रहिए, पहले सेफ्टी तो खुद पे ही होती है, क्योंकि अगर यहाँ पे पुलिस स्टेशन है तो इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ियां होती होंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लड़कियों को अवेयर रहना चाहिए। अच्छी बात है कि इसका एक पॉजिटिव मैसेज मिला कि आप यहाँ पे अच्छा फील करते हो। और जो लड़कियां हैं बेसिकली कहीं ना कहीं बहुत लॉन्ग स्टडी के लिए उनको ना फैमिली सपोर्ट करती है ना ही सोसाइटी उनको जी सर। तो बेसिकली आप अभी मास्टर्स कर रहे हो, आप कितना लॉन्ग स्टडी के लिए सोचा हुआ है? अभी तो सर एमफिल या पीएचडी के लिए तो करना है। तो आपको नहीं लगता है कि मतलब सोसाइटी का गेम जा रहे हो? नहीं सर, एक्चुअली मेरी फैमिली तो सपोर्टिव है, बट हाँ मैंने देखा है कि हर किसी की फैमिली नहीं करती, बट अगर ड्रीम्स हैं तो परस्यू करने चाहिए। वाओ, वेल, बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है कि आप ये सब पूरी पढ़ाई करके सोसाइटी को क्या दोगे? सर मैं पूरी कोशिश करूंगी अपना ही कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा सा कर सकूँ अपने देश के लिए, तो उससे अपना, अपने देश की मेंटल हेल्थ सिचुएशंस काफ़ी अच्छी नहीं है, बाकी के देश इसको प्रायोरिटाइज करते हैं, इंडिया अभी उतना नहीं करता, तो मैं चाहूँगी कि उसमें थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेंटल हेल्थ बहुत सालों तक तो एक प्रॉब्लम है, लोग ने एक्सेप्ट भी नहीं किया होगा? बिल्कुल सर, बहुत समय के बाद, क्योंकि कितना एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है, बहुत इनर कोर में जाके कहीं के सोल्यूशन निकालना होता है। अब आजकल के लोग सब बाबा वगैरह को रेफर कर देते हैं, कोई किसी को कुछ हो जाता है तो। कोई ट्रेंडिंग बाबा जो आपको याद है? ना सर, अभी तो ऐसे तो कोई नहीं। नाम नहीं लेना चाहते हो? मैं समझ गया था। ओके, कोई बात नहीं है। तो इस टॉक में बेसिकली आप अपने से कुछ अगर व्यूअर्स को बोलना चाहें तो क्या बोलना चाहोगे? अपने से ये, अगर आप BHU के लिए सोच रहे हैं मास्टर्स साइकोलॉजी के लिए, तो बहुत अच्छी जगह है, और बेसिकली ज़्यादातर जगह पे लैब और इक्विपमेंट्स का प्रॉब्लम होता है, लेकिन यहाँ पे वो सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं और जनरली में एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं। बहुत बढ़िया है, ठीक है, एक पॉजिटिविटी है लोगों के बीच में इनके थ्रू कि भाई ये बेसिकली साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छा। अच्छा, हाल ही में भी एक वीडियो मेरा वायरल हुआ था, उसमें एक लड़की जो है, आप लोग ने अगर नहीं जानते, आप लोग तो बता दूं कि 2 महीने या 1 महीने उसने अपना यहाँ पे पढ़ाई करी, फाइनली उसका एडमिशन विड्रॉल हो गया, तो ऐसे सिचुएशन के लिए बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलना चाहोगे? बहुत ज्यादा वो करते हैं पार्शियलिटी, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस चीज में। हाँ सर, एटलीस्ट अगर किसी को आपसे क्वेरी है या कुछ है तो एटलीस्ट उसकी बात सुन लेनी चाहिए exactly. और जवाब देना चाहिए क्लियरली, उसको कंफ्यूज क्यों रखना है? अच्छा, ऐसे सिचुएशन में बच्चों के पास कहाँ पे जाए वो, फिर कोई सोल्यूशन होता है? जी सर, ऐसे मीडिएटर नहीं मिलता है फिर आसानी से, कोई बच्चे ढूंढते रहते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं, आपके थ्रू काफी हेल्प मिल गई थी इस चीज को लेकर, हम आपसे डायरेक्टली भी कॉन्टेक्ट कर पाए थे,
तो उस चीज के लिए तो प्रॉब्लम बहुत होता है कि किसके पास जाए। मतलब कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गलत कर रही है, उनका एक जो मेन एक फील्ड है वो है स्टूडेंट से उनकी प्रॉब्लम को लेना और सॉर्ट आउट कर देना, वही चीजें वो नहीं कर रहा है ना। जी सर, स्टूडेंट काउंसिल होना चाहिए एक एक्टिव। एग्जैक्टली, स्टूडेंट काउंसिल होना चाहिए, ये बहुत अच्छा इन्होंने बोला, क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम सही मायने में सही प्लेटफॉर्म तक जाती नहीं है और लोग बहुत चक्कर लगवाते हैं बहुत। हाँ, सच में। ओके, तो फाइनली आई होप कि आपका ड्रीम जो भी है वो जल्दी से पूरा हो जाए, समय के साथ पूरा हो जाए बेसिकली। और आपने अपना ये समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और उम्मीद करेंगे कि कभी एक टॉक हम लोग करें जिसपे बस साइकोलॉजी की बातें हो, साइकोलॉजी की फील्ड की बातें हो। बाकी अगर आपके पास ऐसे कुछ आइडियाज होंगे तो जरूर हम लोग इस पर आगे कंटिन्यू कन्वर्सेशन करेंगे। तो आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं हैं। और जितने व्यूवर्स हैं बेसिकली ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप के जो बहुत नेचुरल डिसेंट टॉक्स होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आप ओरिजिनल चीज़ों को जान सको। अभी जिनको आप सुन रहे थे कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, BHU में पढ़ रही हैं, इन्होंने अपने जो भी एक्सपीरियंसेस आप तक पहुंचाए आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आप लोग प्लीज जो चीजें बताई हैं थोड़े अपने एक्सपीरियंसेस के साथ उसको फॉलो करने की कोशिश करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और कोई भी आपको सीओटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए काउंसलिंग वाला नंबर पर फाइनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मुस्कुराते हैं, बहुत से शुभकामनाएं, हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।